हाशिम बुजुर्ग नहीं, आदमी नहीं होंगे, बुजुर्ग औरत होंगी। आप ही औरत नहीं है इधर, आपको मैं दिखाता हूँ घर के हालात। मेरी बात मानती नहीं है, घर के हालात देखो हाशिम, मुझे लगता है कि ये सब कुछ ना तबाह हो चुका है। और ऐसे ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही काफी सारे यहाँ पे घर हैं जो मौजूद। आय हाय, यहाँ पे चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चाचा जी क्या हो रहा है? रोटी बच्चों को खा दे रहा हूँ। अच्छा, क्या खा रहे हो? दाल से रोटी। दाल रोटी किसने बनाई है? दाल दादा का, रोटी दादा ने। अच्छा, ये आपके दादा हैं? रोज आपको यही बना देते हैं। अम्मी नहीं है आपकी? अम्मी किधर गई है? अम्मी कहाँ गई है? वो दूसरा कबीला कर गई है। किधर गई है? वो दूसरा कबीला कर गई है। दूसरा कबीला यानी कि दूसरी शादी कर ली? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और इनका अबू किधर है? इनका अबू मेहनत मजदूरी से सामान ही लेते हो जाते हैं। अबू ने भी दूसरी शादी कर ली है? अम्मी ने भी दूसरी शादी? हाँ, 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 हाँ। बच्चों को छोड़ दिया? बच्चे मेरे को, ये खुदा तक गल है, बच्चे मेरे को। अच्छा, कितना अर्सा हो गया? सही सही। तो यानी की अबू जी हालात यहाँ पे ये हो चुके हैं कि इनकी वालदा ने क्यों दूसरी शादी कर ली? वालदा ने बच्चों को कौन माँ छोड़ के जाती है? दो बेटे और एक बेटी है? हाँ, दो बेटे। उन्होंने ऐसा क्यों किया है? बस वो समाणिया नु माला खोला हो जाते ना औरत की कौम। अच्छा, वो जिस पास निगाह चली गई, चली गई। औरत कह रहे हैं औरत की कौम को ना, ये जो निगाह फिर जाती है ना एक बार, तो फिर इतने बच्चे भी नहीं याद रहते। सोने बच्चे शोदन हो, माशाल्लाह इतने प्यारे। ये देखिए अब्बू जी उनके इसका सर तो देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। जैसे वो आजकल भैंसों में वो नहीं निकले हुए दाने, ऐसे ही दाने। और कितने शौक से ये रोटी खा रहे हैं। सुबह बनाई थी रोटी? हाँ, सुबह ही बनाई थी। अच्छा, फिर अब बनाई है 5 बजे? हाँ जी। सही सही सही। तो फिर इतना ही बना सकते होंगे आप? जाहिर फिर आप कमाने भी चले, क्या काम कहाँ से आता है? रोजगार कैसे करते हैं? मैं रोजगार ही नहीं कर सकता, बस तेरे मेरे को किसी को वक्त जी मैं साथ दे देता हूं। कोई दे देता है कमरा, उस दिन छत भी दे पई है, उस जगह भी दे पई है। ये बच्चे लोगों के कमरे बिल्कुल ऐसे ही है। हां, ये बच्चे लाए थे ना किसे हमसाय के घर जाते वक्त बसर कर लेंगे। अच्छा, जब बारिश आंधी तूफान है तो हमसायों के घर? हमसायों के घर, वो मेरी साली का घर है, उस घर पे जाते हैं। अच्छा, आपकी साली का घर है, आप उधर चले जाते हैं, उधर गुजर बसर कर लेते हैं। सही सही। तो यानी कि माँ का ही गुजारा हो रहा है, अगर सीधी लफ्जों में कहा जाए तो। जे कदे उसकी तबीयत सी अन्या सही है तो उन्हें रोटी सानू पका दे, नहीं तो फिर अपने आप ही पका देंगे। और हमसाय कब तक देते हैं? हाँ जी, हमसायों को। सही सही। खाओ 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 बेटे खाओ। माशाल्लाह, फिर देखें प्यारे कितने लग रहे हैं बच्चे। लड़की को, फिर ये लड़की को पोनिया वगैरह कौन करता है? आप खुद करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो जी दादाजी ने कितना अच्छे तरीके से संभाला हुआ है, रखा हुआ है बच्चों का। देखें ना आजकल के दौर में कौन ख्याल रखता है। हाँ जी, बच्चों का माशाल्लाह, उनका जाहरी बात है कुछ कितने काम होते हैं सुबह से लेकर शाम तक। नानी दे नाल इन्हां दी मुखालफत चल गई, अगर जावे सही ना माँ जी धक्के मार देने, अगर जो अच्छा जाने आए ना छोड़ दे, फिर जावे क्यों? नहीं, उसके और बच्चे है, एक बच्ची होती है, वो तो प्यारी होगी उसे, वो प्यारी है। बड़ी प्यारी है, जो बंदा जो दिल ला ले सब अपनी मोहब्बत वाला, वो बंदा जो पसंद है। तो ये इनका बेटा नहीं पसंद था तो उसको छोड़ की है जुल्म बाजी। जिंदा अपनी तबीयत खराब हो जावे, किसी पासे दौड़ जावे, नस जावे, जो उसे रुकाने दे, ता फिर अजाब थाने पुलिस रिपोर्टा ले दिया जावनी, महला सारा इकट्ठा हो जाना। जे सच है कहीं बच्चे छोटे छोटे रोटी पका दे खवा, उठी थी तो दुए पास गई, उठी तो दुए पास गई। सही सही। और परेशानी अखीर और दौड़ गई जान छुटी, बच्चन खुलावा अखीर चली गई। वो कह रहे हैं कि अगर अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते पुलिस को लेकर आज, क्योंकि वो नहीं जो रहना चाहती, जी जी जी, नियत जो नहीं थी ना बच्चों के पास रहने की, तो फिर वो कैसे रहती? और जो अपने बच्चे सांप जाते तो मैंने क्या जरूरत है धक्के खावा दी, जब परेशान दादा इस उम्र में क्या जरूरत थी कि दादा को धक्के खाते पीते, इस उम्र में अपने बच्चे संभालती, अपने घर में रहती। कितना अर्सा हो गया इनकी माँ को गए हुए? ये तकरीबन कोई 4-5 साल हो गए, 5-1 साल हो गए। नहीं नहीं, ये 5 साल का तो नहीं होएगा। पियो करूँ कुरान रहे कद छोटे पुरानी उम्र का है, उम्र का है तो तकरीबन। बच्चा ये पैदा हुआ है तो कितने महीने का छोड़ के गई? हाँ, ये तकरीबन निपल नाल दूध पींदा ही तो उम्र चली गई।
अच्छा अभी फीडर लेता था। मैं फीडर ना ले सुन पाले तो माँ छोड़ के चली गई। बुझी ऐसे बच्चे को माँ कैसे छोड़ के चली जाने। वो साली मेरी उसकी बड़ी मेहरबानी है, वो किसी वेले साथ का नहीं दे नवा भी नहीं दिए जब मैं ना हूं। साली वो भी तो अभी कितनी उम्र की होगी ना, वो भी अभी इतनी जवानी होगी कि बच्चों का ख्याल रख सके। मैं मरीज बन रहा हूं, मैं पथरी का भी मरीज हूं, मैं गदूद का भी मरीज हूं, मैं हरनी का भी मरीज हूं। हरनिया पथरी गदूद फिर मजदूरी मेहनत फिर छोटे छोटे तीन बच्चे फिर आपकी तो बड़ी हिम्मत है। कोई मैं दिहाड़ी नहीं कर सकना किसे तेरे मेरे को ले दे मेरा मदद कर दे 150 दे। दिहाड़ी भी नहीं कर सकते अब, मांगने मैं दिहाड़ी कर गुजारा कर मैं दिहाड़ी करने का बिल्कुल अब नहीं कर सकते। हाँ। सही सही अब दद्दिया कह रहे हैं कि अब मुझे दिहाड़ी भी नहीं की जाती है, अब तो बस कोई दे दे तो ठीक है खा। हाँ। लेते हैं, नहीं तो फिर ये इतनी मक्खियां हैं तो जरा ख्याल कर, ये बीमार हो जाएंगे तो उल्टा खर्चा। नहीं रात को आखिर सुलाना इनको, कभी बच्चा धूप है गर्मी है सर्दी है बीमार हो जाते हैं फिर बल्कि नलका भी सादा कोई नहीं कि किसे हम शायद कोलो पानी भर इसका जादू वाला तो एक दूसरे की माँ जब बच्चों को छोड़ के जा सकती है तो ये तो कयामत की निशानियां ही है। ये देखिए बच्चों के क्या हालत है, क्या सुबह से अब जो खाना मिला है वो ऐसे खा रहे हैं जैसे पता नहीं कितने अरसे बाद उन्हें दोबारा से दोबारा खाना नसीब हो। अल्लाह ताला इनके दादा को सलामत रखे, इनको सेहत दे, जिंदगी दे, जो सब कुछ बीमार होने के बावजूद इनको देखने की कोशिश करें, इनकी परवरिश करने की कोशिश करें। यही इंशाल्लाह जवान होंगे, इनका सहारा बनेंगे। तो बच्चे ही है चाचा जी, ये खुदा ताला की तरफ से है, ये कबूल फरमा ले। ये 5,000 है और हम लोग इधर से गुजर रहे थे, ये 6,000 और ये 7,000 और ये हम लोग यहाँ से अबू जी गुजर रहे थे तो चाचा जी को देखा है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनके लिए क्या कर सकते हैं, समझ ही नहीं आ रही है ऐसी फैमिलीज के लिए। इस बस्ती में जो भी फैमिलीज देखी ना उनके लिए कोई ज्यादा हमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या कारोबार करेंगे अगर कारोबार भी करें, और चाचा जी कर भी नहीं सकते आप इस उम्र में। आज की ये वीडियो हम लोग डेडिकेट करते हैं जफर साहब को, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर दिया। व्यूअर्स अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है, अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।